आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्राद्धों के पुण्य अवसर पर हमारे पवित्र तीर्थ स्थल गया जी, जहां पर जाकर श्राद्ध, पितृ तर्पण व पिंड दान आदि करने से हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है की कथा सुनेंगे, जिसे श्रद्धा व भावपूर्वक सुनने सुनाने से परिवार पर पितरों की अपार कृपा होती है, घर परिवार में नई नई खुशियों का आगमन होता है। वे भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। प्राचीन कथा के अनुसार गयासुर नामक एक असुर था। वह हुआ तो असुर कुल में था, लेकिन वह सोचता था कि जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि वह युगों युगों तक याद रखा जाए। ऐसा सोच उसने भगवान श्री हरि की तपस्या करने शुरू कर दी। उसने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से इंद्र आदि देवता विचलित हो गए। इंद्र देव सोचने लगे कि कहीं यह भगवान श्री हरि से इंद्र लोक को ना मांग ले। अतः सभी देवता एकत्रित होकर भगवान श्री हरि के पास गए और गयासुर की तपस्या के बारे में बताया। भगवान श्री हरि भी गयासुर की तपस्या से प्रसन्न थे। उन्होंने गयासुर के समक्ष प्रकट होकर कहा कि हे असुरराज, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। गयासुर ने कहा, प्रभु, मैं असुर कुल में पैदा हुआ हूँ, जिन्हें देखकर प्रत्येक व्यक्ति डर कर भागता है। मैं आपसे वर चाहता हूँ कि मुझे जो भी देखे या जो भी मेरा स्पर्श करे वह आपके धाम को पा जाए, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए। इससे मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, तथा अस्तु। श्री हरि से ऐसा वर पाकर अब गयासुर जिधर भी जाता उसे देख, उसका स्पर्श कर हर कोई विष्णु लोक को जाने लगा। यह सब देखकर यमदेव घबरा गए कि प्रत्येक प्राणी, चाहे वह महापापी ही क्यों ना हो, गयासुर के दर्शन से विष्णु लोक को जा रहा है। अतः यमदेव ने तीनों देवों की आराधना की। ब्रह्मा जी यमदेव को लेकर श्री हरि के पास गए और जाकर सारी बात बताई। भगवान बोले, गयासुर को वर देने वाला मैं ही हूँ, अतः अब मैं ही इसका कोई हल निकालूंगा। कुछ देर विचार मगर रहने के बाद श्री हरि भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, आप सभी देवों को साथ लेकर गयासुर के पास जाओ और उससे उसके ही शरीर को यज्ञ के लिए मांग लो, जिससे कि उसका शरीर एक जगह स्थिर हो जाएगा और वह इधर उधर नहीं जा पाएगा। तब ब्रह्मा जी सभी देवों को लेकर गयासुर के पास गए और कहा, हे असुरराज, आप एक पवित्र आत्मा हो, आपका जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ है। हमें इस धरती पर यज्ञ करने के लिए
पवित्र स्थान की खोज है, लेकिन हमें कोई भी पवित्र स्थान नहीं मिला। इसलिए हम यज्ञ के लिए आपके शरीर पर यज्ञ वेदी बनाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर गयासुर ने कहा, ब्रह्मा जी, इससे अधिक पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। यह कहकर गयासुर ने अपने शरीर को पृथ्वी पर फैला दिया। दक्षिण दिशा में अपना सिर और उत्तर की तरफ पैर कर दिए। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवों के साथ गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान भी गयासुर का शरीर पूर्ण रूप से स्थिर न रह सका, वह हिलता डुलता रहा। फिर स्वयं भगवान श्री हरि गदा धारण कर गयासुर की पीठ पर आकर खड़े हुए। तब जाकर गयासुर की देह एक स्थान पर स्थित हुई। गयासुर के इस समर्पण से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और गयासुर को ये वरदान दिया कि पहले मेरे वरदान के कारण ही तुम यहाँ वहाँ जाकर सबका उद्धार कर रहे थे तथा तुम्हारा दर्शन व स्पर्श पाकर मृत्यु के बाद प्राणी मेरे धाम को आ रहे थे। अब मेरे वरदान स्वरूप ही जहाँ तुम्हारा यह शरीर शिला रूप में स्थिर हुआ है, यह तुम्हारे नाम पर पवित्र तीर्थ गया जी के नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर आकर जो भी प्राणी तुम्हारा स्पर्श कर अपनी पितृ पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान व दान पुण्य के कार्य करेगा, उसके पितृ मेरे विष्णु लोक को प्राप्त होंगे और मैं स्वयं सभी देवों के साथ इस शिला पर निवास करूंगा। तब से लेकर आज तक जो भी प्राणी गया जी में जाकर अपने पितृ पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण व पिंड दान करता है, उसके पूर्वज मुक्ति को प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं तथा जो भी प्राणी गया जी की इस पवित्र कथा को भक्ति भाव से पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके पितृ पूर्वज मुक्ति को प्राप्त होते हैं तथा वह स्वयं इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा व पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर सदैव बना रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।